राखी के बंधन को छोटी बहन को ना भुलाना, कैसे भूलेंगे हंसते में घर है तेरा बहना। हाय हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज है रक्षाबंधन और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आज का दिन का मैं हर साल इंतज़ार करती हूँ। हर वैसे तो हर त्यौहार को इंतज़ार करती हूँ बट रक्षाबंधन में मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। बहन भी नहीं है उसको भी रक्षाबंधन मेरी तरफ से, हैप्पी रक्षाबंधन। 2 घंटे में भैया आ जाएगा, मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। एक्चुअली मैंने इशू को अभी रेडी करा क्योंकि मम्मी पापा चले गए हैं आज पूजा करने के लिए, इसलिए आज मम्मी इशू को रेडी नहीं कर पाई। और ये रही मेरी सुबह की चाय, इसके बिना तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। और यहाँ पे पीछे इशू की करतब देख लो, और मैं यहाँ पे इशू को नहला के रेडी हो चुकी हूँ। सबसे पहले इसे मैं रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं खुद रेडी होऊंगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को फ्रेश होने के बाद। तो गाइस आज मैंने पहना ये रेड साड़ी। ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट साड़ी है। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरी बेटू रेडी हो चुकी है और आज मेरी बेटू सबसे पहला रक्षाबंधन राखी बांधने वाली है अपने भाई को। यीशु अभी तक 8 महीने 1 साल की भी नहीं हुई है और वो आज राखी बांधने वाली है। सो शी इज लकी। और ये रहे उनके भाई, उनको वो राखी बांधेगी आज। और मैंने थाली वगैरह सब चीज रेडी कर दिया और मेरे भी 3 भैया आ रहे हैं, उनको भी मैं राखी बांधूंगी। और आज पहली बार यीशु अपने भाई को राखी बांधने लगी। कहां मैं एक टाइम में छोटी बच्ची थी, मैं सारे भाइयों को राखी बांधती थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी, और आज मेरी बेबी अपने छोटे भाई को राखी बांध रही है। तो हाँ, जनरेशन कहाँ से कहाँ आ जाता है पता भी नहीं चलता, तो ये सब देख के चीज़ें अच्छे भी लगती है। तो ईशु यहाँ पे अपने भाई को प्रणाम कर रही है क्योंकि इनका बड़ा भाई है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1-1.5 साल के बड़े होंगे। ये देखिए इसका हाथ पकड़ के मैं सब कर रही थी बट ईशु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग भी रही थी एक्चुअली, और ये बहुत ज़्यादा हंस के और जरा सा भी रो नहीं रही थी और बहुत खुश से कर रही थी। ये देखिए जैसे मिठाई भी खिला रही है खुद के हाथों से। और यहाँ पे मेरे भाई सब भी आ चुके हैं, अब मेरी बारी है मेरे भाइयों को राखी बांधने की। और ये है मेरा छोटू सा प्यारा सा मेरा नटखट भाई जिसको आप लोग सभी जानते ही होंगे, ये है मेरा शुभम। है ना, ये चमक रहा है इसलिए इसको यही पसंद है। राखी के बंधन बड़ी बहन को ना भूला। सो यहाँ पे हमारी काफी देर तक मस्ती चल रही थी, तो मैं अपने छोटे भाई शुभम की क्लास ले रही थी। बड़ी बहन होने का कुछ तो फायदा मिलना ही चाहिए। और ये देख लीजिए, ये है मेरा अपना और बड़ा भाई मेरा, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा एक यही भाई है और हम बचपन में बहुत लड़ा करते थे बट जब से मेरी शादी हो गई ये मुझसे जरा सा भी नहीं लड़ता, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। राखी के बंधन को निभा, इधर देखो, छोटी बहन को ना भुलाना। तो अभी एक और ब्राह्मण आ चुके हैं, सुबह से लगभग 5-6 ब्राह्मण आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे उन्हें दान दक्षिणा दे रही थी और उनसे राखी बंधवा रही थी। और यहाँ पे मेरी सब्जी और मीठे में थी सेवई, ये सारी चीज़ें बनके रेडी हो गई थी और गरम गरम मैंने पूरी इन लोगों को छान के खिलाया। ज़्यादा तो नहीं कुछ बना पाई क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी हो जाती है और कुछ भी नहीं। वैसे तो दीदी खाना बना रही थी बट दीदी को भी जल्दी जाना पड़ा क्योंकि उनके भी भाई है और उन्हें भी राखी बांधनी थी। और यीशु अभी तक अपने मामा को नहीं भूली थी, ये बहुत अच्छी बात थी।
और ये देख लो मेरे सबसे बड़े भाई, सबको राखी मैंने बांध लिया, लंच भी करा दिया, और ये मेरे बड़े भाई अभी आए हैं, तो मैं गुस्सा भी रही थी तो ये सॉरी बोल रहे थे, बट कोई नहीं। और मैं क्या करें, मेरे ही कारण वैसे लेट हुआ था उनका, और मैं यहाँ पे इनको राखी बांध रही हूँ। और फाइनली ये सब जाने लगे थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्यौहार तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मनाया, मैं हर साल ऐसे ही मनाती हूँ। मेरे सारे ये तीनों भाई मेरे हर साल मेरे यहाँ आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता भी है। तो फिर से अगेन आप सभी को, सभी भाइयों को, बहनों को, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि बॉर्डर पे आप लड़ रहे हमारे सिपाहियों को हैप्पी रक्षाबंधन मेरे तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।